हेलीकॉप्टर एक घंटे के बाद उड़ना बंद कर देगा, इसलिए मैं मंच को प्रणाम करता हूँ। उनके नाम लूंगा तो देर लगेगा। आदरणीय मंच, आप सबको प्रणाम। हमारे केंद्रीय मंत्री वरिष्ठ नेता वीरेंद्र जी, लोकप्रिय उम्मीदवार शिशुपाल जी, जिलाध्यक्ष अखिलेश जी यहाँ उपस्थित, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर राम राम, आप सबको प्रणाम। आज मैं लंबा भाषण नहीं दूंगा। मोहनगढ़ में उपचुनाव के समय भी आया था, मोहनगढ़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कंचनपुरा मोहनगढ़ पार्क, जामनी नदी पर आमघाट का पुल, रोंगटा घाट पुल निर्माण, डोडा घाट पियर स्टाफ डैम, पटनापुर पियर स्टाफ डैम, आमघाट खेड़ा भगवंतपुरा मार्ग, गवर्नमेंट हाई तहसीलदार के पोर्ट को प्रारंभ करना, डिगोड़ा में नई तहसील, हरपुरा नहर से डिगोड़ा मोहनगढ़ कुमेरी तालाब असरला तालाब को भरने की व्यवस्था, मोहनगढ़ में डिग्री कॉलेज, पृथ्वीपुर औद्योगिक केंद्र का निर्माण, मैं अगर काम गिनाऊंगा तो इसी पे आधी रात हो जाएगी। आज मोहनगढ़ वालों और आसपास के लहरों भाई, मुझे दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बता, जितने विकास के काम हमने किए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं। दादागिरी करो, गुंडागर्दी करो और अपना राज चलाओ, ये कांग्रेस है। लेकिन ऐसी कांग्रेस की अब हम चलने नहीं देंगे। एक तरफ ये सारे विकास के काम और दूसरी तरफ जनता की भलाई। मेरी बहनों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं, मेरे लिए तुम देवी का स्वरूप हो, क्योंकि दुर्गा सप्तपती में ये कहा गया है कि जितनी स्त्रियां हैं जगत में वो सब देवी की मूर्तियां हैं। तो मैं तो अपनी बहनों को देवी की मूर्तियां मान के पूजा करता हूं और उनकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास करता हूं, और इसलिए लाडली बहना योजना बनाई, क्योंकि मैं जानता था मेरी गरीब बहन कई बार हजार और 2000 रुपया के लिए परेशान हो जाती थी। सही बात है कि नहीं बताओ? हजार 2000 की जरूरत पड़ो हाथ फैलाओ, उसके बाद भी पैसा नहीं मिलता था। तो मेरे मन में एक बात आई, देखो मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, ये मेरा परिवार है। अच्छा आप ही बताओ, मैं भैया लगता हूं आपको या मुख्यमंत्री? जोर से बोल के बताओ, भैया की मुख्यमंत्री? मैं तो भैया हूं और बच्चों का मामा हूं। तो ये अपना परिवार है और इस परिवार की बेहतरी के लिए काम करना ये मेरा धर्म है। उसके बहनों, कई दिन से मैं सोच रहा था, ये योजना कई बनी, लेकिन एक ऐसी योजना बन जाए कि मेरी बहन की जिंदगी बदल जाए। और तब मेरे मन में विचार आया कि हर महीना अगर बहन के खाते में पैसा पहुंचेगा तो मेरी बहन मजबूर नहीं रहेगी, मेरी बहन मजबूत बन जाएंगी, उनको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और इसलिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। मेरी बहनों बताओ कैसी योजना है? अच्छी योजना है। मैं कई जगह पूछता हूं कि बताओ योजना के बाद आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा? तो मेरी कई बहनें बताती कि भैया आजकल तो घर में पाठ है, सास बहुत प्रेम से बोलती है। कई ने ये भी कहा कि आजकल तो वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं, गुड्डू की मम्मी कैसी हो, पैसा आगे कि नहीं आए? देखो भाई और बहनों, पैसा हमारी जरूरत भी पूरी करता है, पैसा आत्मविश्वास भी बढ़ाता है और पैसा इज्जत भी देता है। बोलो सही बात है कि नहीं? और इसलिए मेरी बहनों, केवल पैसा नहीं दिया, आपका मान सम्मान बढ़ाया है। मेरी बहनों आपका मान सम्मान बढ़ाया है। और अगर कोई बहन रह गई तो चिंता मत करना, फिर भैया आने वाला है, आएगा कि नहीं आएगा,
उनके नाम भी जोड़ देंगे। और अब तो 21 साल से ऊपर की उम्र की जो बेटियां हैं मुझे लड़ पड़ी, कह रहे मामा ये सब काय के लगा दी शादी की, हमें नहीं जल्दी करना, हमें पढ़ना है, हमें पैसे नहीं दोगे। तो हमने तय कर दिया बेटी की 21 साल उम्र हो जाए तो शादी हो तो भी और नहीं हो तो भी पैसा उनके खाते में डालने से ताकि पढ़ाई लिखाई के काम आ जाए। और बहनों तुम आगे बढ़ो, इसलिए हमने तय किया तो 1000 से बढ़ा के 1250 करें, 1250 थोड़ी रह जाएगा, पैसे की जुगाड़ करता जा रहा हूँ धीरे धीरे, तो पैसा बहुत सारा लगता है। अब 1,32,00,000 बहनों का भाई मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली भाई होगा क्या? 1,32,00,000 बहने फिर भी कछु कह रही हम तो रह गए, हमका का रह गया बोले हमने कहीं पैसे पैसे कह रहे पैसा थोड़ी मिले तो हमने भर हो गई नहीं, तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पैसे की जैसे व्यवस्था होगी 1,250 से बढ़ा के 1,500 करेंगे, 1,750 करेंगे, फिर 2,000 करेंगे, फिर 2,250, 2,500, 2,750 और फिर कितना करेंगे जोर से बोलो 3,000 करेंगे। ये इसलिए कि मेरी बहनों की आंखों में आंसू ना रहे, उनके चेहरे पर प्रसन्नता रहे और छोटी छोटी जरूरत उनकी सब पूरी हो। लेकिन एक संकल्प और मेरा, हर बहन की आमदनी मुझे बढ़ा के 10,000 रुपया महीना करना है आमदनी, और वो स्व सहायता समूह के माध्यम से करेंगे। बहनों ये भाई तुम्हें ये कहने आया है कि तुम्हें लखपति बनाना है, लखपति ये मजाक मत मानो। स्व सहायता समूह में काम करके कई बहनों की आमदनी साल में 1,00,000 रुपया से ज्यादा हो गई है। कोई बहन ऐसी नहीं बचेगी कि जिसकी आमदनी 10,000 रुपया महीना ना हो जाए घर का काम काज करते हुए। मैं करूंगा चाहे हम क्यों गरीब रहे, क्यों आंसू बहाए, क्यों बेबसर मजदूर रहे। भाई तुम्हारा इसलिए धरती पर आया है कि तुम्हारी जिंदगी से अंधेरा सदैव सदैव के लिए दूर करेगा। तो किसान भाइयों गुस्सा तो नहीं हो, अरे 1,000 रुपया तो अपने भी आ रहे हैं भैया, 6 PM साहब के और 6 CM के, और जुगाड़ हो जाए तो इसमें भी कुछ बढ़ोतरी होगी, चिंता काय को करते हो। कांग्रेस ने कह दिया कर्जा माफ करेंगे, कुछ किया ही नहीं हमने तो। सिंचाई की योजनाएं अब तक जो बनी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कैन बेतवा मंजूर हो गई है, प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ के हर खेत में पानी ला के आपको देंगे, कांग्रेस नहीं दे सकती, ये देगी तो भारतीय जनता पार्टी ही देगी। अपनी जिंदगी बदलने के अभियान में हम लगे, बहुत विस्तार से नहीं जा रहा, लेकिन परिवार की सरकार का मतलब क्या है। एक मोहनगढ़ के पास एक गांव में कौन सा था जहां काटे को रहने की जगह अतेरी, तो हमने तय किया हर गरीब को रहने के लिए 1 प्लाट फ्री में देंगे, जो रह गए होंगे उनको भी देंगे 10,000 दे सकते। और एक बात को सुन लो, जो टूटी टपरिया में झोपड़ी में रह रहे हैं उनको रहने के लिए पक्का मकान चाहिए। PM आवास योजना में नाम छूट गए हैं तो हमने CM आवास योजना लाडली बहना आवास योजना बना दी, भर गए। तो अब धीरे धीरे सब बहनों को या भाइयों को पक्का मकान बनाने का पैसा दूंगा, कोई का घर कच्चा नहीं रहेगा, आपकी जिंदगी बदल गई। हमारे बेटा बेटियों की पढ़ाई की है, कॉलेज भी खोला है। अब देखो कमलनाथ ने क्या जुर्म किए, मेरी बहन संबल योजना बंद कर दी, बेगा भारिया सहरिया बहनों को पैसा में 1,000 देता था वो बंद कर दिए, बच्चों के लैपटॉप छोड़ा दिए, कन्या विवाह का पैसा ही नहीं दिया, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। अब तीर्थ यात्रा हमने फिर रेल से चालू कर दी, अब केवल रेल से नहीं हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जा रहा हूँ, गरीब आदमी हवाई जहाज से भी बैठ कर तीर्थ जाए। लेकिन कमलनाथ ने तो सब योजना बंद कर दी। और याद रखना भारतीय जनता पार्टी है तो लाडली बहना है, कांग्रेस आगे ना लाडली बचेगी ना बहना बचेगी, सब खत्म हो जाएगा। और इसलिए बच्चों को भी देखो मैं कंप्यूटर देता हूँ, लैपटॉप अच्छी पढ़ाई मेरे कमलनाथ ने बंद कर दिए थे, अच्छे नंबर लाए, नंबर 1 आए बेटा बेटी तो मैंने स्कूटी दी, स्कूटी दे रहा हूँ ताकि और पढ़े लिखे। और एक बात ध्यान से सुनना, अच्छी पढ़ाई करो रे मेरे बेटा बेटियों,
तुम्हारा एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज कहीं भी होगा तो तुम्हारी फीस लाखों रुपया भी हो तो तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, क्योंकि अपना परिवार है, अंतरात्मा से मैं कह रहा हूं अपना परिवार। इस परिवार को सुखी बनाना है मेरे बहन और भाई, और इसलिए एक चीज और सोची है, हर परिवार एक रोजगार, हर परिवार प्रत्येक परिवार एक रोजगार, किसी भी परिवार को रोजगार के बिना नहीं रहने देंगे, चाहे वो रोजगार सरकारी नौकरी का हो, चाहे वो रोजगार मुख्यमंत्री सीखो कमा योजना का हो, चाहे वो रोजगार स्व सहायता समूह का हो, चाहे वो रोजगार हमारी जो स्वरोजगार की योजना है उनके अंतर्गत हो, ताकि पलायन ना करना पड़े। रसोई गैस का सिलेंडर मेरी बहनाओं 450 रुपया में ही देंगे, ताकि तुम्हें आंखें ना फूटनी पड़े। बड़े बिजली के बिल सारे के सारे मैं भरवा दूंगा, उसकी भी चिंता मत करना, आपकी जिंदगी बेहतर बने इसलिए हम काम कर रहे हैं। एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण, ये करते हुए हमें आगे बढ़ना है। आज मैं आप सबसे एक ही बात पूछने आया हूँ, जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, आप सबको मुझ पर विश्वास है? और आप सबको विश्वास है तो जान भले ही चली जाए, इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा, लगातार आगे बढ़ेगा। अपने अच्छे भाइयों और बहनों की दुख तकलीफ, भांजे भांजियों की सुविधाएं परिवार का सदस्य मान के करता रहूंगा। लेकिन कांग्रेसी बड़े परेशान है, ये 1.5 हजार का कहां से आ गया, ये तो हटा ही नहीं रहा, तो रोज मुझे गाली देते, कुछ ने तो सोशल मीडिया मेरा श्राद्ध ही कर दिया। अरे उनका श्राद्ध भी कर दोगे तो रात के ढेर क्यों, उससे उठ के मामा फिरा जाएगा और जनता की सेवा करेगा। आप सबसे मेरी प्रार्थना है ये सेवा का क्रम जारी रहे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जिताए। शिशुपाल ने कम समय में आपकी दिन और रात मेहनत करने की कोशिश की है, स्वर्गीय सुनील नायक जी का ये कार्य क्षेत्र रहा है, मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। मेरे बहनों और भाइयों, स्वर्गीय सुनील नायक जी के इस कार्य क्षेत्र में आपका आशीर्वाद दिन और रात सेवा करने वाले शिशुपाल को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, मोदी जी को मिले, शिवराज मामा को मिले, यही निवेदन करने आया हूँ। बोलिए सबका आशीर्वाद मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, शिशुपाल को अपना विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे, मामा को भी आशीर्वाद देंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के शिशुपाल को जिताने का संकल्प लें, कमल का फूल की बटन दबाने का संकल्प लें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सरकार बना के फिर मोहनगढ़ आऊंगा और विकास के बाकी काम सब मंजूर करके जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।